नमस्कार, आज के समाचारों में हम आपको ले जाएंगे 80-90 दशक के हमारे बचपन की यादों में। 80-90 दशक में दूरदर्शन बहुत सारे लोगों की बचपन की यादें हैं। वो भी क्या दिन थे जब हम पूरे दिन इंतजार करते थे कब दूरदर्शन की चैनल ऑन होगी और हम पूरी फैमिली के साथ उसकी मजे लेंगे। वो दिन थे जब सारे मस्ती फैमिली के साथ ही होती थी। दोस्तों, पता नहीं चलता समय कैसे बीत जाती है। हर जेनरेशन की एक कहानी होती है, छोटा या बड़ा, अच्छा या बुरा। हमारा था दूरदर्शन। चलिए देखते हैं दूरदर्शन की कुछ ऐसे झलके। इस वीडियो को हमारी गुजारिश से आप आखिरी अंत तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे और बहुत सारे 80-90 दशक के यादों को आपके लिए वापस ले आएंगे। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। दूरदर्शन सितंबर 15, 1959 में शुरू हुई थी। वहीं से इसकी जर्नी बहुत लंबी चली और दूरदर्शन ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और दूरदर्शन के कुछ कुछ ऐसे सीरियल्स जो भी हमारे यादों में हैं, हम उसको चाहकर भी भूल नहीं सकते। कृषि दर्शन 1967 पे शुरू हुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन सीरीज है। DD1, द लार्जेस्ट टेरिस्टेरियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, कवर्स 91% पॉपुलेशन एंड 79% लैंड एरिया। पहला टीवी सीरियल था लड्डो सिंह टैक्सी वाला। हम कैसे भूल सकते हैं वो चित्रहार रंगोली, जिसके लिए हम पूरे हफ्ता इंतजार करते थे। अभी भी वो दिन मुझे याद आते हैं। चाहता हूँ कोई मुझे वो अतीत को वापस ले जाए और मैं उस यादों को दोबारा जी लूँ। में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग करके दूरदर्शन को एक नया नाम दिया था। शुरुआती दिनों में दूरदर्शन के पास सिर्फ 180 टेलीविजन सेट्स थे। 1977 को ये 250,000 तक पहुंच गई थी। ऐसे बोल सकते हैं वो न्यूज रीडर्स को जो हर दिन शुरुआती दिनों में 5 मिनट न्यूज बुलेटिन आती थी। पूरी फैमिली उसी को इंतजार करते थे कब न्यूज चैनल शुरू हो और हमें देश भर की बातें पता चले। पे दूरदर्शन ने सिर्फ 5 मिनट न्यूज बुलेटिन से शुरू किया था। प्रतिमा पुरी दूरदर्शन की सबसे पहली न्यूज रीडर्स थी। इनिशियली टीवी ट्रांसमिशन वाज ट्वाइस ए वीक। हम कैसे भूल सकते हैं मोगली एंड शक्तिमान सीरियल को, जो आज भी हमारे यादों में घर करके रुकी है। जब भी मोगली शक्तिमान के
बारे में सोचते हैं, हम वही बचपन को वापस चले जाते हैं। कोई यादें नहीं मिटने वाली यादें हैं जो हमेशा हमारे दिलों और दिमाग पे रहेगी। यूनेस्को ने इंडिया को 20,000 USD एंड 180 सेट्स दिए थे दूरदर्शन चैनल को शुरू करने के लिए। शुरुआत के दिनों में ऑल इंडिया रेडियो ने दूरदर्शन को फ्लोर स्पेस प्रोवाइड किए थे और कुछ न्यूज कंटेंट दिए थे शुरू करने के लिए। हम कैसे भूल सकते हैं हम लोग और 1, 2, 3, 4 की सीरियल को। वो सीरियल को याद करके बहुत ही अच्छा लगता है। वो दिन थे जो हम पूरी फैमिली के साथ बैठ के इस सीरियल सबको देखा करते थे। वो दिन और वापस नहीं आ रही है। हम चाहकर भी वो दिन को वापस नहीं ला पाएंगे। दूरदर्शन 146 कंट्रीज में अवेलेबल है। दूरदर्शन के 60 से ज़्यादा चैनल से दूरदर्शन ने 2014 को पिंक एंड पर्पल का न्यू थीम शुरू किया था, देश का अपना चैनल। अभी दूरदर्शन की कलर टेलीविजन की टाइम शुरू हो चुकी थी। कलर टेलीविजन की शुरुआत अगस्त 15, 1982 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के द्वारा लाइव टेलीकास्ट से शुरू किया गया था। ऐसी थी हमारी दूरदर्शन की कुछ लम्हे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक।